नमस्कार, ऋतु किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम मूली की भुजिया बनाएंगे। मूली की भुजिया बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने मूली ली है 2 मीडियम साइज की पत्तों सहित, और उनको मैंने छोटा छोटा काट कर 1 सीटी आने तक उबाल लिया है। 1/4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। मैंने सरसों के तेल का यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग रिफाइंड भी ले सकते हैं। 1 हरी मिर्च ली है मीडियम साइज की, अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो 1 हरी मिर्च और ले सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, और 1 चम्मच धनिया। 7 से 8 कलियां लहसुन के लिए है, वो मैंने थोड़ा छोटा छोटा बारीक काट लिया है, और कुछ लहसुन की कलियां मैंने बारीक पीस ली है। आइए अब हम अपनी मूली की भुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को आप गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। देखिए हमारी कढ़ाई अब गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। देखिए हमारा तेल अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें लहसुन की कलियां डालते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल रहे हैं। देखिए हमारा लहसुन अब भुन चुका है। अब हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी भुनने के बाद में अब हम इसमें अपना मूली डालेंगे जो हमने उबाल के रखी हुई है। अब हम इसे और हल्का हल्का मिलाएंगे। अब हम अपनी मूली की भुजिया में लाल मिर्च ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, और ये नमक है इसको मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमने जो लहसुन पीस के रखा था उसे डाल देते हैं। और ये हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, इसे भी डाल देते हैं। सबको मिक्स करने के बाद में अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, लगभग 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी मूली की भुजिया फुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारी मूली की भुजिया बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।